इलस्ट्रेटर में ऐड हुए न्यू 3D इफेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग हैं और इस ट्यूटोरियल में इन्हीं इफेक्ट्स को यूज करके हम एक एक्सरसाइज करेंगे। वेलकम गाइज, मैं हूं आपका टीचर शोभित और इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे 3D टॉय पियानो इलस्ट्रेटर के 3D ऑप्शंस की हेल्प से। तो चलिए सीखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूज होने वाले सारे कलर्स हमने पहले से ही यहाँ पे प्लेस करके रखे हुए हैं। शुरुआत करेंगे एक रेक्टेंगल से। अपने आर्ट बोर्ड पे ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल। इसमें फिल की ज़रूरत हमें नहीं है तो इसे हटा देते हैं। इसका प्रॉपर डायमेंशन सेट कर देते हैं, जिसमें विड्थ हम डिफाइन करेंगे 650 और हाइट 400 पिक्सल। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसे भी प्रॉपर डायमेंशन डिफाइन करते हैं। इसकी विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं 170 पिक्सल एंड हाइट भी 170 पिक्सल। प्रॉपरली पोजीशन करते हैं और एक और कॉपी प्लेस कर देते हैं राइट साइड में। अब अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं और लेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसके पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट ऑप्शन से अपने रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से सारे कॉर्नर्स को राउंडेड कर देते हैं। और इन दोनों रेक्टेंगल्स के कॉर्नर को भी राउंडेड कर देते हैं। अब इस शेप की एक कॉपी बनाते हैं ऊपर की तरफ और इसे थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म स्केल करते हैं। सारे शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करके इसमें अप्लाई करेंगे डिवाइड और इसके बाद इसको अनग्रुप करेंगे और सारे एक्स्ट्रा शेप्स को डिलीट कर देंगे, जिससे हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा। स्ट्रोक्स को हम यूनिफॉर्म कर देते हैं, सेट कर देते हैं 1 point एंड मेक श्योर कि स्ट्रोक का अलाइनमेंट सेंटर पे डिफाइंड हो। अब हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसमें भी प्रॉपर डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं, जिसमें विड्थ हम डिफाइन करेंगे 75 पिक्सल एंड हाइट 240 पिक्सल। इसे प्लेस करेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली दीज आर अवर वाइट कीज, इनकी कॉपी बनाते हैं। सारे शेप्स को प्रॉपरली सेंटर पे अलाइन कर लेते हैं। पहले और लास्ट रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके कॉर्नर्स को राउंडेड कर देते हैं। अब हम ब्लैक कीज बनाएंगे, जिसके लिए एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें विड्थ डिफाइन करेंगे 45 पिक्सल एंड हाइट डिफाइन करेंगे 140 पिक्सल। इसे भी प्रॉपर पोजीशन करते हैं, थोड़ा सा जूम करके। प्रॉपर पोजीशन करने के बाद नीचे के इन दोनों पॉइंट्स को हमें राउंडेड करना है, तो कुछ इस तरह से हम इन्हें राउंडेड कर देते हैं और इसे भी कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एक और कॉपी और एक कॉपी यहाँ पे भी प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारी ब्लैक कीज हैं। अब हम लेंगे एलिप्स और यहाँ पे एलिप्स की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसमें विड्थ एंड हाइट हम डिफाइन कर देते हैं 72 पिक्सल। यहाँ पे प्लेस करते हैं, एक और कॉपी इसकी बनाते हैं और इन दोनों शेप्स की एक और कॉपी हम बनाएंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। अब हम लेते हैं स्टार और यहाँ बीचों बीच ऑल्ट और शिफ्ट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे एक स्टार और इसके कॉर्नर को भी थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं, स्केल करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब इस पूरी डिज़ाइन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में और इसे कन्वर्ट कर देंगे एक लाइव पेंट ग्रुप में। लाइव पेंट ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल और जो भी एक्स्ट्रा एजेस हैं, एक्स्ट्रा पाथ्स हैं, उन्हें हम डिलीट कर देंगे। तो एक एक करके ये ब्लैक कीज़ के अंदर वाले पाथ को हम डिलीट कर देते हैं। जस्ट आपको कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है सेलेक्ट करने के बाद। सो दिस इज़ परफेक्ट।
और अब हम लेंगे लाइव पेंट बकेट। ऑल्ट के साथ हमें मिलेगा आई ड्रॉपर, तो एक एक कलर पिक करके हम इसके अलग अलग एरियाज में फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। हर एक कलर को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फिल कर देंगे। सो ऑल सेट। अब हमें ओपन करना होगा 3D एंड मटेरियल पैनल, तो इसे ओपन कर लेते हैं और इस पूरे डिजाइन में अप्लाई करेंगे इन फ्लैट। सबसे पहले इसे रोटेट कर लेते हैं, तो नीचे आते हैं रोटेशन प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे वैल्यू देंगे 25 डिग्री, 20 डिग्री एंड 30 डिग्री। जाते हैं वापस ऊपर और डिफाइन करते हैं डेप्थ 100 पिक्सल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने स्ट्रोक डिफाइन करके रखा था जिसके कारण हमें यहाँ पे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, तो इस डिज़ाइन से हम स्ट्रोक को नन कर देते हैं, जिससे जो भी कलर हमने शेप्स में डाले थे वही कलर हमें दिखने लगेंगे। इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं 60%, जिससे कुछ इस तरह का ये शेप चेंज हो जाएगा। अब जाते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, आते हैं सबसे नीचे और यहाँ पे रफनेस 0.4 है, सो इट इज़ गुड। मेटेलिक वैल्यू को हम चेंज करेंगे और डिफाइन करेंगे 0.2, जिससे हमें ये थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट मिलने लगेगा। अब जाते हैं लाइटिंग में और लाइटिंग में हम ऑन करेंगे सबसे पहले शेडो, और शेडो में शेडो बाउंड्स हम फुल 400% डिफाइन कर देंगे और बाकी किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना है। अब आते हैं लाइट की प्रॉपर्टी में, इंटेंसिटी ये 70% ही रहने देते हैं। रोटेशन को डिफाइन करेंगे -30 डिग्री, जिससे शेडो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाइट हम रखेंगे 30, जिससे शेडो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे सॉफ्टनेस हम डिफाइन करेंगे 70, बट सॉफ्टनेस हमें रेंडर करने के बाद दिखाई देगी। और एम्बिएंट लाइट इसे हम सेट करते हैं 70%, जिससे ऑब्जेक्ट की सरफेस थोड़ी सी ज़्यादा इल्यूमिनेट होने लगेगी। और अब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और ऑन करते हैं रे ट्रेसिंग ऑप्शन को। इसके बाद हम रेंडर के बटन पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस के बाद हमें अपने ऑब्जेक्ट का रियलिस्टिक लुक मिल जाएगा, शेडो ग्लॉसीनेस एंड रिफ्लेक्टिविटी। सो ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, ये जो वाइट बटन्स हैं ये सारे आपस में मर्ज हो गए हैं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्ट्रोक की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया था। इसे वापस सेपरेट करने के लिए हमें स्ट्रोक ऐड करना होगा, जिसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पैनल में और 3D एंड मटेरियल इफेक्ट की विजिबिलिटी को टेम्पररी ऑफ कर देते हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट फ्लैट दिखाई देने लगेगा। इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप करते हैं, जिससे सारे शेप्स सेपरेट हो जाएंगे। इन सारी वाइट कीज को शिफ्ट की हेल्प से एक साथ सेलेक्ट कर देते हैं और इसमें स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं 2 पॉइंट्स। इसके बाद वापस राइट क्लिक करके एग्जिट आइसोलेशन मोड करते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाएंगे और इसके इफेक्ट को वापस से ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए, स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद सारी वाइट कीज फिर से अलग अलग दिखाई देने लगी। तो कुछ इस तरह से इलस्ट्रेटर के इन 3D ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं ये टॉय पियानो। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहिए।